जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएँ, ताकि आपको हमेशा सही सटीक जानकारी मिलती रहे। आप फेसबुक, ट्विटर दोनों जगह हमसे जुड़े। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम नाम सत्य की। राम नाम सत्य को एक अलग से पहेली में हम देखते हैं, मतलब किसी का जले जाना ये वो भाव नहीं है। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपको स्टूडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि राम नाम आपके लिए क्यों सत्य है और राम नाम की क्या महिमा है। और ये मंत्र है जो हमारे सब कुछ चीज़ों को परिवर्तित कर सकते हैं। सबसे पहली बात, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे आइडियल हैं और राम हमारे कण कण में बसे हुए हैं। इस धरती के, इस धरा के हर जगह पर राम मौजूद हैं। अब बात यह है कि कलयुग केवल नाम आधारा, ये रामायण का वर्ड है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कलयुग में सतयुग हुआ, बाकी युग जितने भी युग हुए हैं, चार युगों में से, तो कलयुग में केवल और केवल आपको राम का नाम लेना है, यही सत्य है। इस बात को जब तक आप नहीं मानेंगे, तब तक आप में ना सरलता आएगी, ना सहजता आएगी, और जो एक दिव्य ज्ञान होता है, एक अलग सी बात होती है, वो नहीं आएगी। हम सब बेशक राम की संतानें हैं, हम राम के आराध्य हैं, लेकिन जो भाव है हमारा, उसमें मोह माया कपट छल सभी चीज़ें ऐड हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम सहज और सरल हों, वो होगा राम नाम के जप से। फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि वो सब सत्य होगा राम नाम के जप से। इसलिए जितना आप राम का नाम लेंगे, उतना आपके अनुभव जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। बहुत ही अदब से, बहुत ही प्यार से आप राम का नाम लीजिएगा, जप कंटिन्यू करते रहिएगा, क्योंकि राम नाम सत्य है। और जो चीज़ सत्य होती है वो अपने आप में बहुत विराट होती है, का जितना बखान किया जाए सत्य का वो कम है। इसलिए आप सभी से ये निवेदन है कि आप राम का नाम कंटिन्यू लेते रहें, क्योंकि राम के नाम के बिना यहाँ कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए राम का नाम आप कंटिन्यू लेते रहें। एक और बात कह देना चाहता हूँ कि हम हमारे अनुभवों को और आगे बढ़ाने के लिए इस चीज़ को कंटिन्यू रखें। 15 दिन, 20 दिन या 8 दिन में आपको परिणाम नहीं मिले, वो अनुभव नहीं मिले, तो इसे कंटिन्यू रखें, क्योंकि किसी को परिणाम में थोड़ा वक्त लग सकता है, किसी को जल्दी परिणाम मिल जाता है। और राम नाम परिणाम का विषय भी नहीं है, मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये केवल एक वो अनुभव है, जिस अनुभव को आप जियेंगे तो आप खुद, मैं शब्दों में उसे बयान नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं आप खुद स्वयं को निवेदन कर रहा हूँ कि आप इसे कंटिन्यू करें। कब करेंगे? उठते बैठते, घूमते फिरते, जहाँ आपकी जैसी इच्छा बने तब आप कर सकते हैं। तो राम का नाम ले, जितना आप राम का नाम लेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो राम नाम सत्य है, इस बात को दिमाग में अच्छे से बिठा लें, क्योंकि जब तक ये बात नहीं जानेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।